हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द बायजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एंथोनी गिडेन का टॉपिक है, और इस पर यूजीसी नेट में कई बार सवाल आते हैं और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जानना चाहिए अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, और ये एंथोनी गिडेंस ने बताया कि ये मॉडर्निटी से आया है। मॉडर्निटी, मॉडर्निटी मतलब आधुनिकता। आधुनिकता के कारण प्लास्टिक सेक्सुअलिटी ने जन्म लिया है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आधुनिकता का ही इफेक्ट है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। अब देखिए, प्लास्टिक और सेक्सुअलिटी दो शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ है, यानी प्लास्टिक। प्लास्टिक को हम लोग हिंदी में भी प्लास्टिक ही कहते हैं। प्लास्टिक कैसा होता है, देखिए कोई भी प्लास्टिक की चीज उठा लीजिए, उसको आप ऐसे मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाता है। जैसे कि ये प्लास्टिक है, इसको हम ऐसे मोड़ सकते हैं, इसको हम ऐसे ऐसे मोड़ सकते हैं, मतलब ये फ्लेक्सिबल है। मतलब मेनली प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, लचीला। लचीला कामुकता क्या होती है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि सेक्सुअलिटी क्या होती है, जो हमारी फीलिंग होती है, जो हमारा ओरिएंटेशन होता है, जो हमारी इरोटिक फीलिंग होती है, जो हमारी बायोलॉजिकल फीलिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअलिटी। यानी मॉडर्न सोसाइटी में प्लास्टिक सेक्सुअलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को च्वाइसेस देता है सेक्सुअलिटी से रिलेटेड। यानी देखिए, एक था फिक्स्ड सोशियलिटी, सेक्सुअलिटी सॉरी, फिक्स्ड सेक्सुअलिटी, वो इसके उल्टा, फ्लेक्सिबल के उल्टा। फिक्स्ड सेक्सुअलिटी क्या होता है, एक लड़का एक लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, ये पारंपरिक तौर पे हमारे यहां पर फिक्स कर दिया गया। लेकिन जब मॉडर्न समाज आया तो यहां पर क्या हुआ कि लेट मैरिज, ठीक, की व्यवस्था शुरू हुई, और भी बहुत सारी चीजें थी जिसमें कि वर्क लोड के कारण विमेन जो थी वो बेबी जो है उत्पन्न नहीं, मतलब रिप्रोडक्शन में जो लेट मैरिज का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, बच्चों में जो क्या कहना था कि दूरी रखना था, एक बच्चे से दूसरे बच्चों में गैप होना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट आया, इससे क्या हुआ, फ्लेक्सिबल सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति हुई, उसी को प्लास्टिक सेक्सुअलिटी हम लोग कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया है अभी, ठीक, इतनी बात समझ में आई, ठीक। चलिए, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक सेक्सुअलिटी इज डेवलप्ड थ्योरेटिकली बाय एंथोनी गिडेंस। इसे सैद्धांतिक रूप से किसने विकसित किया है, प्लास्टिक कामुकता को, एंथोनी गिडेंस ने विकसित किया है, यह बात अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार ये अवधारणाएं आई है, ये क्वेश्चन आया है कि किसने प्लास्टिक सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये प्लास्टिक से बना हुआ शब्द है। प्लास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मैलिएबल। मैलिएबल मतलब होता है जिसको अपन मोड़ सके, यानी हमारी फीलिंग जो होती है, जो हमारे इरोटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको चॉइस देने का काम करता है। ट्रेडिशनल तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे लड़के से प्यार है, लड़का लड़के से नहीं, लड़का ये नहीं कह सकता कि मुझे लड़के से प्यार हो गया। लेकिन आज के समय में हम इतने फ्लेक्सिबल हो गए हैं कि हम लोग होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्टेबिलिटी दे रहे हैं, यही मॉडर्निटी है, ये कहते हैं, ठीक है, समझ गए। आज की डेट में आप मूवीज में देखिएगा कि एक्स्ट्रा रिलेशंस को स्वीकार्यता मिलने लगी मूवीज में, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप किसी से कमिटेड ना हो और आप कितनी भी लड़कियों से रिलेशनशिप रखते हैं, ऐसा मूवीज में दिखाते हैं। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, ठीक है, यानी आपके इरोटिक एक्सप्रेशंस को क्या मिल जाना, चॉइसेस मिल जाना, फ्रीडम मिल जाना, ठीक, चॉइस, फ्री फ्रॉम व्हाट, सोशल नॉर्म्स, फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल नॉर्म, उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट का जन्म आधुनिकता के समय पे हुआ है, मॉडर्न समय में हुआ है, ये कहते हैं। फ्लेक्सिबल सेक्सुअलिटी इज आर्ग्यूड टू इमर्ज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल चेंज इन लेट मॉडर्निटी। एंथोनी गिडेंस कहते हैं
कि ये जो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी है, ये जो फ्लेक्सिबल सेक्सुअलिटी है, ये सामाजिक परिवर्तन से आया है और किस समय आया है? लेट मॉडर्निटी के समय आया है। ठीक है, लेट मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी के समय आया है। इट इज द आउटकम ऑफ मॉडर्निटी। इट हैज प्रोवाइडेड द चॉइसेस टू इंडिविजुअल्स दैट टू हूम ही वॉन्ट टू हैव अ मेटिंग रिलेशनशिप्स। इधर अ बॉय वॉन्ट टू हैव अ मेटिंग रिलेशनशिप विथ अ बॉय, अ गर्ल वॉन्टेड टू हैव अ मेटिंग रिलेशनशिप विथ अ गर्ल। दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन सेक्सुअलिटी, दिस काइंड ऑफ चॉइसेस इन सेक्सुअलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड ओनली इन द मॉडर्न सोसाइटी, एंथोनी गिडेंस सेज। ठीक है, इट स्टैंड्स इन द कॉन्ट्रास्ट टू द फीचर एसोसिएटेड विथ मॉडर्निस्ट सेक्सुअलिटी कॉन्सेंचुअलाइज्ड एज अ फिक्स्ड बाय बायोलॉजी और बाय सोशल नॉर्म्स। ये कॉन्ट्रास्ट में है, ये विपरीत में है, किसके? फिक्स्ड सेक्सुअलिटी के, जो हमारे ट्रेडिशनली, जो हमारे सोशल नॉर्म्स में हमें सिखाया गया है। ठीक, हमें सिखाया जाता है कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, लेकिन मॉडर्निटी में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना या नहीं करना ये एक चॉइस बन जाती है। वी आर थॉट अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स दैट वी हैव टू फॉलो द सेलिबेसी अंटिल एंड अनलेस वी आर नॉट गेटिंग मैरिड। जब तक हम शादीशुदा नहीं हो जाते, हमें ये सिखाया जाता है हर समाज में कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। लेकिन मॉडर्निटी में जब आप प्लास्टिक सेक्सुअलिटी पे आते हैं, एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि ये आपको चॉइस दे देता है। ठीक है, विमेन को चॉइस दे देता है। कैसी चॉइस दे देता है विमेन को? कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स को अपना करके आपका जो डर है कि बेबी हो जाएगा, ठीक है, वो आपका खत्म हो जाता है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी में। इसका मतलब एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि महिला और पुरुष दोनों को चॉइस और फ्रीडम देने का काम किया है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी ने। ठीक है, प्लास्टिक से कामुकता की अवधारणा सैद्धांतिक रूप से एंथोनी गिडेंस द्वारा विकसित की गई थी। ये एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। दो तरह की कामुकता के बारे में ये बात करते हैं, एक है फ्लेक्सिबल, दूसरा है फिक्स्ड, यानी लचीली कामुकता और फिक्स्ड कामुकता। लचीली कामुकता को आधुनिक और उत्तर आधुनिकता में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में उभरने का ये कहते हैं कि कैसे उभरी है लचीली कामुकता। आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में जो सामाजिक परिवर्तन हुए वहीं पर उत्पत्ति हुई है लचीली या प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की, या लचीली कामुकता की या प्लास्टिक कामुकता की। तो क्या करता है प्लास्टिक कामुकता? व्यक्ति को पसंद और सामाजिक मानदंडों के बीच कामुक अभिव्यक्ति का लचीलापन प्रदान करने का काम करता है। कामुक अभिव्यक्ति को लचीलापन प्रदान करने का काम करता है प्लास्टिक कामुकता या लचीली कामुकता। ठीक है, जो एंथोनी गिडेंस ने यह कॉन्सेप्ट दिया था। आगे बढ़ते हैं, फिक्स्ड सेक्सुअलिटी क्या होती है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिक्स्ड सेक्सुअलिटी होता है बाइनरीज ऑफ मॉडर्निटी, जिसमें आप या तो आप हेट्रोसेक्सुअल रह सकते हैं, या तो आप होमोसेक्सुअल रह सकते हैं, आप फिक्स रह सकते हैं, या आप मैरिटल रिलेशनशिप में रह सकते हैं, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल। ये आपको फिक्स कर देता है, इधर कमिटेड और प्रोमिस्कस, इधर नॉर्मल और परवर्स, ये सारी चीजें जो हैं ये फिक्स, मतलब आपके ट्रेडिशनल तौर पे आपको फिक्स कर देता है कि आपको यही बने रहना है। निश्चित कामुकता उसे कहते हैं जो हमें फिक्स कर देता है। ठीक, जैसे ट्रेडिशनली था, आप बॉय हैं तो आपको गर्ल से ही रिलेशन रखना है, इसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड सेक्सुअलिटी कहते हैं। फॉर गिडेंस प्लास्टिक सेक्सुअलिटी इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिपेंडेंस। तो ये कहते हैं प्लास्टिक सेक्सुअलिटी ने में जब आप गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें बहुत सारी स्वतंत्रता मिली। कैसी? सामाजिक और आर्थिक, दो तरह के इंडिपेंडेंस, दो तरह के
आत्मनिर्भरता हमें प्रदान करती है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता को प्रभावी गर्भ निरोधक का परिणाम माना जाता है, ठीक है। यानी प्लास्टिक सेक्सुअलिटी में जब आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने लग जाते हैं, ठीक, यानी गर्भ निरोधक जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज करने लग जाते हैं, तो इसने मैन और वेमेन दोनों को ही लिबरेट किया, ठीक। ऑल्सो लिबरेटेड मैन फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशन, मैन को भी ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशन से मुक्त करने का काम किया है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी ने, ठीक है, जिसने पुरुषों को भी पारंपरिक लिंग अपेक्षाओं की बाधाओं से मुक्त करने का काम किया है। पुरुषों से भी क्या अपेक्षा करता था समाज की शादी के बाद ही आपको क्या करना है, अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेशन देना है, यानी अपनी कामुकता को अभिव्यक्ति आपको कब देना होता था, शादी के बाद। लेकिन जो कॉन्ट्रासेप्शन है इसने पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही स्वतंत्रता प्रदान किया है। ये कहते हैं प्लास्टिक सेक्सुअलिटी इज दैट विच कैन बी शेप्ड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल इरोटिक नीड्स एंड वांट, ठीक। ये कहते हैं लचीली कामुकता या प्लास्टिक कामुकता वह है जिसे व्यक्तिगत कामुक जरूरतों और चाहतों के अनुसार आकार दिया जा सकता है। याद रखिएगा, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी एक ऐसी सेक्सुअलिटी, ये कहते हैं कि जो हमारे इरोटिक फीलिंग को नीड और वांट्स के अनुसार शेप करती है, चॉइस देने का काम करती है। इट कैन ऑल्सो सर्व एज अ मार्कर ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी और एज द मींस बाय विच टू मेक रेडिकल सेक्सुअल डिमांड्स। यह व्यक्तिगत पहचान के रूप में भी काम कर सकता है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, ठीक है। जैसे अभी आप देखिए प्लास्टिक सेक्सुअलिटी के जरिए ही आर्टिकल, मतलब सेक्शन 377 याद है, 370 गे लेस्बियन, इनको हमने फ्रीडम प्रोवाइड किया। तो ये क्या है, ये हम प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम और भी तरह की सेक्सुअलिटी को, और भी तरह के प्लेजर्स को इंक्लूड कर रहे हैं अपने सामाजिक मानदंडों में, सामाजिक वैल्यू में। उन्हें भी सोशल नॉर्म्स मिल रहे हैं, उन्हें भी सोशल वैल्यूज, उन्हें भी सोशल एक्सेप्टेंस मिल रहा है। ये कहते हैं ये मॉडर्निटी से उत्पत्ति हुई है इसकी। गिडेंस क्लेम फॉर प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, ब्लैकवेल कॉल्ड इट एज ऑटोनॉमस सेक्सुअलिटी, जिसे गिडेंस प्लास्टिक सेक्सुअलिटी या लचीली कामुकता कहते हैं, उसे ब्लैकवेल क्या कहते हैं, स्वायत्त कामुकता कहते हैं। याद रखिएगा, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है, स्वायत्त यानी स्वतंत्र, आप स्वतंत्र हैं, आप जब चाहें तब शादी कीजिए, जिससे चाहें तब शादी कर सकते हैं, आप दो बच्चों में चाहे जितना भी गैप रख सकते हैं, जो ट्रेडिशनल समय पे नहीं हुआ करता था। यानी अगर आपको पुरातन काल में जाना है, एंशियंट सोसाइटी में जाना है, और एशियंट सोसाइटी के अगर आप मेंबर होते हैं, तो अगर आप वहां पे दो बच्चों में, अगर एक ही दो बच्चों में गैप रखना चाहते हैं, अंतर रखना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही विकल्प हुआ करता था कि आप मेटिंग रिलेशनशिप ना रखें, आप सेक्सुअल रिलेशनशिप ना रखें, आप अपने इरोटिक फीलिंग को सप्रेस करें, आप उसको दमन करें, यही एक। लेकिन हमारी प्लास्टिक सेक्सुअलिटी ने हमें चॉइसेस दी, ठीक, हमें कॉन्ट्रासेप्शंस प्रोवाइड किया, महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही ये चॉइसेस दी कि आप बच्चों में अंतर रख सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज करके। यानी फ्रीडम और चॉइसेस देता है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। और साथ ही दूसरा यह भी है कि आप किसी के भी साथ, आप होमोसेक्सुअल हो सकते हो, आप हेटरोसेक्सुअल हो सकते हो, आप बाइसेक्सुअल हो सकते हो, ठीक, इस तरह की स्वायत्तता प्रदान करता है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी हमारे समाज में। एंथोनी गिडेंस कहते हैं प्लास्टिक सेक्सुअलिटी फुलफिल्स फिजिकल नीड्स विदाउट मैरिज। सबसे पहला पॉइंट, प्लास्टिक कामुकता, लचीली कामुकता, सबसे पहली बात ये कहते हैं शादी के बिना शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। सेकेंड, फुलफिलिंग फिजिकल नीड्स एनीवेयर एनी टाइम, कहीं भी कभी भी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने का फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता देता है। थर्ड, मल्टीपल साइमल्टेनियस पार्टनर्स, यस, थर्ड, एक साथ कई पार्टनर्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप का चॉइस देता है। फोर्थ, मतलब ऐसा आधुनिक समाज में देखने में आया है, ये कहते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज, यस, विवाह का स्थगन। आज की डेट में आप देख लीजिए जो लोग होते हैं वो बहुत लेट मैरिजेस करने लगे, ठीक,
तो उसके पहले अपनी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी करना है, तो वो चॉइसेस, वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है लचीली कामुकता। रिस्क भी है, तो किसका रिस्क है? एचआईवी और एड्स और एसटीडी का रिस्क। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, इनका भी रिस्क बड़ा है। फिफ्थ और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एचआईवी और एड्स जैसे अन्य सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो सेक्स के द्वारा, कामुकता के द्वारा जो बीमारियां हैं, उसको भी फैलने का उच्च जोखिम पैदा किया है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी ने। तो स्टूडेंट्स, ये प्लास्टिक सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट था जो इंपॉर्टेंट था, यूजीसी नेट ने और भी बहुत सारे एग्जाम्स ने कई बार पूछा है। मैं चाहता था कि आप लोग इसके अच्छी तरह से याद रखें। अगर आप इसी तरह से पूरी सोशियोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको एक कॉल करना होगा, सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को एनरोल करना होगा, क्लासेस को एनरोल करना होगा, और उसके लिए आपको 9650052904 पर कॉल करना होगा। आप इसी तरह से आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से और डिटेल्ड सिलेबस के हर एक टॉपिक को डिटेल तरीके से, इलेबोरेट तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द सोशियोलॉजी इन सच अ सिंपल वे एंड इफ यू वॉन्ट टू कंप्लीट होल सिलेबस इन अ गिवन टाइम, रेगुलराइज्ड टाइम एंड सिस्टमेटिकली, यू हैव टू कॉल at this number and enroll the class. Please enroll the class 9650052904 पर call करके आप समाजशास्त्र के हर एक topic को complete कर सकते हैं, ठीक। इस batch को enroll कर लीजिए, जल्दी से call कर लीजिए 9650052904 पर, ठीक। इस पे आपसे पूछेगा कि आप हिंदी में बात करना चाहते हैं या इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, फिर कॉल कट जाएगी। घबराइएगा नहीं, आपको इसके लिए कॉल, रिटर्न कॉल आएगा। अगर मान लीजिए रिटर्न कॉल नहीं आता है तो आपको क्या करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838517884। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, सर कि मैं मेरे को रिटर्न कॉल प्राप्त नहीं हुआ है, मैं क्लास एनरोल करना चाहता हूं, आई वॉन्टेड टू एनरोल द क्लास एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम 9650052904, सो प्लीज इनिशिएट द स्टेप। तो मैं आप लोगों के लिए जो है रिटर्न कॉल प्रोवाइड करा दूंगा, आपको एनरोलमेंट की सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।